नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हिंदू देवी देवता और संघ पर दिए राहुल गांधी के बयान को लेकर भड़की भाजपा। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया इच्छाधारी हिंदू। एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे भाजपा विधायक। गुजरात में भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल का विस्तार। रूपाणी सरकार में शामिल रहे सभी मंत्रियों की छुट्टी। 24 नए मंत्रियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। पाटीदारों को मिली अहमियत। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर विरोधियों पर बरसे पीएम मोदी। भ्रम फैलाने वाले सच सामने आने के बाद हो जाते हैं चुप। रक्षा मंत्रालय के नए दफ्तर का शुभारंभ। दिल्ली से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। 1993 के मुंबई हमले जैसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी। ट्रेनों को भी निशाना बनाने का था प्लान। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को लेकर पुलिस ने दायर की चार्जशीट। शिल्पा शेट्टी को बताया गवाह। पति के कामकाज को लेकर न जानने का किया दावा। यूपी से गुजरात तक सितंबर में बारिश का सितम। भारी बारिश से लखनऊ में मचा हाहाकार। कई इलाकों में बिजली गुल। गुजरात में भी कई जिले बाढ़ की चपेट में। मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में बारिश का दौर जारी। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 30,570 नए मामले सामने आए। 431 लोगों की मौत। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,33,47,325 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 3,42,923 रह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू स्थित रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सेंट्रल विस्टा परियोजना की आलोचना करने वालों को आड़े हाथ लिया। कहा ऐसे लोग सेना को मिलने वाली इन सुविधाओं पर चुप रहते थे। नैनीताल उच्च न्यायालय ने चार धाम यात्रा पर लगाई गई रोक को कुछ प्रतिबंधों के साथ हटाया। धामी सरकार ने ली राहत की सांस। हाईकोर्ट ने 26 जून को लगाई थी चार धाम यात्रा पर रोक। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान, जल्द ही बाइक और स्कूटर पेट्रोल से नहीं चलेंगे, एथेनॉल से चलेंगे बाइक स्कूटर, जल्द बनेगा कानून। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। रेल पटरी पर मिला 6 साल की बच्ची से रेप का आरोपी का शव। पुलिस ने शरीर पर बने टैटू से उसकी की पहचान। 2 दिन पहले ही तेलंगाना के श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा था कि करेंगे एनकाउंटर। चीन के दक्षिण पश्चिम सिचुआन प्रांत में भूकंप के तेज झटके। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 6.0 मापी गई। भूकंप की वजह से कम 3 लोगों की मौत, 60 अन्य घायल। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का फैसला किया। सरकार ने 868 मुकदमे वापस लिए। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बड़ा बयान, चीन और पाकिस्तान से निपटेगी रॉकेट फोर्स। तालिबान के खतरे को देखते हुए पश्चिमी उत्तरी सीमा पर बनेगी थिएटर कमांड। राहुल गांधी की वैष्णो देवी की यात्रा के बाद भाजपा युवा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक का गंगा जल से किया शुद्ध। शुद्धिकरण के नाटक के बाद मचा बवाल, कांग्रेस भाजपा आमने सामने। राजगढ़ जिले में ऑटो रिक्शा और जीप की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 2 घायल। तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा नियंत्रित होकर पलटकर सामने आ रही जीप से टकरा गई। आम आदमी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए किया बड़ा ऐलान, 300 यूनिट तक घरेलू बिजली मिलेगी मुफ्त। पार्टी ने अपने 100 संभावित उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। देश में घट रही कोरोना की रफ्तार, पिछले 11 सप्ताह से लगातार 3% से कम बना हुआ है पॉजिटिविटी रेट। त्योहारों पर भीड़ को लेकर सरकार ने किया सचेत। स्टीवन स्पिलबर्ग की मूवी वेस्ट साइड स्टोरी 10 दिसंबर को भारत में होगी रिलीज। यह फिल्म ब्रॉडवे म्यूजिकल पर है आधारित। अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी और आदर्श गौरव को लेकर खो गए हम कहां अनाउंस। फरहान अख्तर के बैनर तले बनने वाली इस मूवी को 2023 में रिलीज किया जाएगा। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।